हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि इनहेरिटेंस में अगर हम बेस क्लास का पॉइंटर बनाते हैं तो उससे हम मेंबर फंक्शंस को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, मतलब बेस क्लास के पॉइंटर के साथ हम क्लास के मेंबर फंक्शंस को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, वो हम देखेंगे इस एग्जांपल के थ्रू। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इसमें है एक्सेसिंग मेंबर फंक्शंस बाय यूजिंग बेस क्लास पॉइंटर, मतलब अगर मुझे पॉइंटर बनाना है तो वो बेस क्लास का पॉइंटर बनाना है और बेस क्लास के पॉइंटर के थ्रू हम इनहेरिटेंस में क्लास के मेंबर फंक्शंस को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, इस एग्जांपल में देखो, सबसे पहले मैंने हेडर फाइल को इंक्लूड करके मैंने लिखा हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच, उसके बाद दूसरा मैंने लिखा हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, फिर मैंने क्लास ए नाम से एक क्लास बनाई और इस क्लास का पब्लिक, इस क्लास में मैंने एक पब्लिक मेथड लिया है जिसका नाम है void display और इस डिस्प्ले मेथड में मैंने cout के साथ क्लास ए को डिस्प्ले करवाया है और फिर लास्ट में हमने क्लोज करली ब्रेस लिया और सेमी कॉलन से हमने क्लास ए को टर्मिनेट कर दिया। अब आगे स्टूडेंट्स, मैंने क्लास ए से क्लास बी को ड्राइव किया, मैंने लिखा है क्लास बी कॉलन पब्लिक ए, इसका मतलब क्लास ए से क्लास बी को मैंने पब्लिकली ड्राइव किया है, इसके मतलब ए के जो मेंबर्स हैं वो क्लास बी में पब्लिकली ड्राइव किए गए हैं, मतलब क्लास बी में वो पब्लिक मेथड बन जाएंगे। तो इसके अंदर भी मैंने सेम फंक्शन लिया स्टूडेंट्स, जैसे void पब्लिक void डिस्प्ले और इसमें मैंने क्लास बी को डिस्प्ले करवाया, लास्ट में क्लोज करली ब्रेस और सेमी कॉलन ले लिया। स्टूडेंट, इस प्रोग्राम में अगर आपसे मैं पूछूं कि void डिस्प्ले आपका क्लास ए में भी है क्लास बी में भी है, दोनों की जगह हमने सेम मेथड लिया, सेम सिग्नेचर के साथ लिया है, सेम प्रोटोटाइप के साथ लिया है, हम कह सकते हैं कि दोनों फंक्शंस का प्रोटोटाइप सेम है। और आपसे एक क्वेश्चन है, अगर मेन फंक्शन के अंदर मैं ड्राइव क्लास जो कि मेरी बी है उसका ऑब्जेक्ट बनाऊँ और उसके थ्री डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करूँ तो कौन सा फंक्शन कॉल होना चाहिए? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अगर मैं ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करते हैं तो कौन सा वाला फंक्शन कॉल होना चाहिए? क्लास ए का फंक्शन कॉल होना चाहिए कि क्लास बी का डिस्प्ले फंक्शन कॉल होना चाहिए, मतलब वहाँ पे आउटपुट क्लास ए आनी चाहिए या आउटपुट क्लास बी आनी चाहिए? यस स्टूडेंट्स, क्लास बी आएगी अगर हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू हम एक्सेस करते हैं तो आउटपुट आएगा क्लास बी। ये हम कर चुके हैं स्टूडेंट्स, ओवरराइडिंग बेस क्लास मेंबर फंक्शन हमने किया था, ओवरराइडिंग मेथड ओवरराइडिंग हमने पढ़ा था। एक स्टूडेंट सबसे और क्वेश्चन है, हमने मेथड ओवरलोडिंग भी पढ़ा था और मेथड ओवरराइडिंग भी पढ़ा था। तो मेथड ओवरलोडिंग आपका जो प्रोसेस है वो स्टैटिक प्रोसेस है, जबकि मेथड ओवरराइडिंग आपका डायनेमिक प्रोसेस है। खैर, अब हम इस प्रोग्राम में ही आगे चलते हैं। अभी तक हमने कुछ नहीं किया, हमने बेस क्लास का एक मेंबर फंक्शन ले रखा है void display और ऐसे ही हमने उससे एक क्लास ड्राइव की, उसका भी हमने सेम ही मेंबर फंक्शन ले रखा है सेम प्रोटोटाइप के साथ और उसमें हम डिस्प्ले करवा रहे हैं क्लास बी। अब स्टूडेंट्स, आगे क्या करो, मैंने लिया मेन फंक्शन, मैंने लिया void main और मेन फंक्शन में सबसे पहले हमने की स्क्रीन को क्लियर किया। क्लियर करने के बाद जो मेरी बेस क्लास है ए क्लास का मैंने एक तो मैंने उसका पॉइंटर लिया, बेस क्लास पॉइंटर लिया और एक मैंने उसका ऑब्जेक्ट लिया ए नाम से। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो अपर केस और लोअर केस को डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है, तो यहाँ पे कैपिटल ए और स्मॉल ए का अलग अलग मतलब है। कैपिटल ए यहाँ पे क्लास के लिए यूज़ हो रहा है और स्मॉल ए यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिर स्टूडेंट्स, ऐसे ही मैंने बी क्लास को ऑब्जेक्ट बनाया है, मैंने नीचे लिखा बी स्पेस बी, बी कैपिटल में हमारा क्लास का नाम है और स्मॉल बी में मैंने उसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया। ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अब स्टूडेंट्स, क्योंकि पॉइंटर वेरिएबल है और पॉइंटर वेरिएबल का काम क्या होता है, दूसरे ऑब्जेक्ट्स के एड्रेसेस को स्टोर करना, इसीलिए मैंने पहले पॉइंटर वेरिएबल में ए क्लास के जो मेरा ए ऑब्जेक्ट है उसके एड्रेस को स्टोर किया है और उसके थ्रू ही मैं डिस्प्ले फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, दूसरा मैंने पी में जो मेरी ड्राइव क्लास है बी उसके ऑब्जेक्ट के एड्रेस को स्टोर किया है और उसके थ्रू भी मैं डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, लास्ट में गेट सेट और फिर कलेबस को क्लोज कर लिया। स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिपेंड करेगा कि पॉइंटर कौन सा है, पॉइंटर बेस क्लास का है तो आप चाहे ऑब्जेक्ट किसी भी क्लास का लो, अगर आपका पॉइंटर बेस क्लास का है तो ऑब्जेक्ट चाहे आप ड्राइव क्लास का लो चाहे ऑब्जेक्ट आप बेस क्लास का लो, रिजल्ट वो पॉइंटर्स के हिसाब से ही देगा, मतलब यहाँ पे दोनों तरफ आपको क्लास ए का जो डिस्प्ले फंक्शन था वो ही कॉल होता दिखाई देगा, मतलब दोनों जगह आपको क्लास ए ही डिस्प्ले करेगा क्योंकि जो पॉइंटर है वो बेस क्लास का है चाहे ऑब्जेक्ट किसी भी क्लास का हो। ठीक है, इस एग्जांपल में
ऐसा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आई बात। अगर हम ड्राइव्ड क्लास का, अगर हम पॉइंटर्स की बात ही नहीं करते, ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट के थ्रू हम डिस्प्ले फंक्शन कॉल करते हैं, तो वो बेस क्लास के फंक्शन को ओवरराइड कर देता है और ड्राइव क्लास के फंक्शन को वहाँ पे एग्जीक्यूट करता है। लेकिन अगर हम बेस क्लास के पॉइंटर को बनाते हैं और उसके थ्रू हम बेस क्लास के ऑब्जेक्ट को स्टोर करें या ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट को स्टोर करें, ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है। अगर आपका पॉइंटर बेस क्लास का है तो हमेशा बेस क्लास के मेथड को ही डिस्प्ले करेगा, तो यहाँ पे हमेशा क्लास ए ही डिस्प्ले होगा, चाहे ऑब्जेक्ट किसी भी क्लास का हो। तो स्टूडेंट्स ये बात आपको समझ लेनी है, ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वर्चुअल फंक्शन। अब स्टूडेंट्स ये एक प्रॉब्लम जो अभी अब तक हमने किया है, ये प्रॉब्लम तो नहीं है, खैर ये भी एक तरीके का एग्जीक्यूशन ही है, लेकिन हम कहेंगे कि ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप ड्राइव क्लास को ऑब्जेक्ट पॉइंटर में स्टोर कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो ड्राइव क्लास का फंक्शन ही एग्जीक्यूट करना चाहिए। अगर मैं बेस क्लास का ऑब्जेक्ट वहाँ पर स्टोर कर रहा हूँ पॉइंटर में, तो बेस क्लास का मेथड एग्जीक्यूट होना चाहिए। और इसी तरीके से अगर मैं ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर कर रहा हूँ, तो ड्राइव क्लास का मेंबर फंक्शन वहाँ पर एग्जीक्यूट होना चाहिए। मतलब डिपेंड पॉइंटर पर नहीं होना चाहिए, डिपेंड होना चाहिए ऑब्जेक्ट पर। जबकि अभी तक जो हमने पीछे प्रोग्राम किया है वो पॉइंटर पर डिपेंडेंट है, पॉइंटर जिस क्लास का है वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है वहाँ पर, ठीक है। लेकिन हमें जो करना है वो ये करना है कि अगर ऑब्जेक्ट जिस क्लास का है उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली मेथड एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो वो पॉसिबल है स्टूडेंट्स अगर मैं वर्चुअल फंक्शन को यूज़ करूँगी। आइए देखते हैं वर्चुअल फंक्शन कैसे यूज़ होता है। तो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वर्चुअल फंक्शन के बारे में। ए वर्चुअल फंक्शन इज ए मेंबर फंक्शन। एक चीज़ तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये नॉन मेंबर फंक्शन नहीं होता, हमेशा मेंबर फंक्शन ही होगा, ठीक है। कभी भी आपसे पूछा है कि वर्चुअल फंक्शन नॉन मेंबर फंक्शन होता है या मेंबर फंक्शन होता है, मेंबर फंक्शन होता है। इसी तरीके से फ्रेंड फंक्शन के बारे में पूछा जाए तो फ्रेंड फंक्शन हमेशा नॉन मेंबर फंक्शन होता है। हाँ, वो एक क्लास का मेंबर फंक्शन जरूर हो सकता है, दूसरी क्लास का वो फ्रेंड ही होगा, लेकिन उसको हम नॉन मेंबर फंक्शन ही बोलते हैं। जबकि वर्चुअल फंक्शन को हमेशा हम एक मेंबर फंक्शन ही बोलेंगे, ये मेंबर फंक्शन ही हो सकता है ओनली। ए वर्चुअल फंक्शन इज ए मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास दैट इज डिफाइंड इन द बेस क्लास बट रीडिफाइंड इन द ड्राइव क्लास। तो स्टूडेंट्स अगर आप वर्चुअल फंक्शंस की बात करते हो तो वर्चुअल फंक्शन हमेशा इनहेरिटेंस में ही यूज़ होगा, हमेशा वर्चुअल फंक्शन आपका इनहेरिटेंस में ही यूज़ होगा। इनहेरिटेंस में हम वर्चुअल फंक्शंस को बेस क्लास में डिफाइन करते हैं, लेकिन उसकी ड्राइव क्लास में, इनहेरिटेड क्लास में हमें रीडिफाइन करना ही पड़ता है, ये नेसेसरी है। हम कह सकते हैं वी कैन डिफाइन ए वर्चुअल फंक्शन इन द बेस क्लास बट इट इज़ नेसेसरी, इट इज़ मैंडेटरी टू रीडिफाइन द वर्चुअल फंक्शन इन द ड्राइव क्लास। तो आगे चले स्टूडेंट्स, इट इज़ डिक्लेयर्ड यूजिंग द वर्चुअल कीवर्ड। वर्चुअल कीवर्ड लगा के हम फंक्शन के आगे उसे वर्चुअल बना सकते हैं। जैसे मान लो मैं फंक्शन जनरली किस नाम से बनाता हूँ, मैं वर्ड या रिटर्न टाइप लिखता हूँ, रिटर्न टाइप के बाद जैसे मैं वर्ड लिखूँ, इंट लिखूँ, कुछ भी लिखूँ, उसके बाद हम फंक्शन नाम देते हैं। लेकिन वो रिटर्न टाइप से पहले अगर मैं वर्चुअल कीवर्ड लगा देता हूँ तो वो मेरा वर्चुअल फंक्शन बन जाता है। तो इट इज़ डिक्लेयर्ड यूजिंग द वर्चुअल कीवर्ड। आगे चलें स्टूडेंट्स, व्हेन ए फंक्शन इज मेड वर्चुअल सी प्लस प्लस डिटरमाइंस विच फंक्शन इज टू बी इन्वोक्ड एट द रन टाइम बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉइंटेड बाय द बेस क्लास पॉइंटर। स्टूडेंट्स वही चीज़ आ गई, पिछला जो प्रोग्राम अभी हमने किया था उसमें पॉइंटर तो आपका बेस क्लास का था, लेकिन बेस क्लास के पॉइंटर्स के हिसाब से ही हमेशा बेस क्लास का मेंबर फंक्शन ही एग्जीक्यूट हो रहा था, ड्राइव क्लास का मेंबर फंक्शन आपका एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था, हमेशा बेस क्लास का मेंबर फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा था चाहे ऑब्जेक्ट कोई भी हो। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप एक फंक्शन को वर्चुअल बना देते हो तो सी प्लस प्लस डिटरमाइन करता है कि कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए रन टाइम पे, डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट का टाइप क्या है जिसे आपका बेस क्लास का पॉइंटर रेफर कर रहा है वहाँ पे, ठीक है, पॉइंट कर रहा है या रेफर कर रहा है। तो बेस क्लास का पॉइंटर जिस भी ऑब्जेक्ट को के एड्रेस को वहाँ पे रेफर करेगा वो ही ऑब्जेक्ट का मेंबर फंक्शन आपका एग्जीक्यूट होगा। उस केस में जब मैं एक मेंबर फंक्शन को वर्चुअल बना देता हूँ तो नेक्स्ट है इट इज़ यूज्ड टू इम्प्लीमेंट डायनेमिक लिंकेज और लेट बाइंडिंग और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। स्टूडेंट्स हमने पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा है, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है ओवरलोडिंग। तो स्टूडेंट्स अगर आपसे पूछा जाए कि फंक्शन ओवरलोडिंग किस टाइप का एग्जांपल है,
कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल है या रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल है, तो जनरली हम ये कहेंगे कि फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, तीन है ये, फंक्शन ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग, तीनों ही कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। इनको हम स्टैटिक बाइंडिंग भी बोल सकते हैं, स्टैटिक लिंकिंग भी बोल सकते हैं और अर्ली बाइंडिंग अर्ली लिंकिंग भी बोल सकते हैं। आपने कॉपी में नोट करना है तो नोट कर लो, तीन एग्जांपल हैं ऐसे, फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। इन तीनों को ही हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोल सकते हैं, अर्ली बाइंडिंग और लिंकिंग बोल सकते हैं, स्टैटिक बाइंडिंग और लिंकिंग बोल सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं किसी फंक्शन को वर्चुअल डिफाइन कर देता हूँ तो उसको हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलेंगे, लेट बाइंडिंग और लिंकिंग बोलेंगे, डायनेमिक बाइंडिंग और लिंकिंग बोलेंगे। डायनेमिक बाइंडिंग और लिंकिंग, लेट बाइंडिंग और लिंकिंग और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। स्टूडेंट ऐसा इसीलिए क्योंकि ऑपरेटर ओवरलोडिंग में, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में और फंक्शन ओवरलोडिंग में, इन तीनों में जब हम फंक्शंस को कॉल करते हैं या कंस्ट्रक्टर्स को कॉल करते हैं तो उस कंपाइल टाइम पे ही ये डिसाइड हो जाता है कि कॉल के साथ जब हम किसी फंक्शन या ऑपरेटर या कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं तो उसके साथ कौन सा कोड वहाँ पे लिंक होगा, बाइंड हो जाएगा, और वो बाइंडिंग जो होती है कंपाइल टाइम पे ही होगी। कंपाइल टाइम पे ही डिसाइड हो जाता है कि कौन सा कोड कौन से कॉल के साथ लिंक्ड हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं कोई फंक्शन में कॉल कर रहा हूँ तो कंपाइल टाइम पे ही हमें पता चल जाएगा कि उस फंक्शन कॉल के साथ कौन सा कोड बाइंड होगा, ठीक है। और जबकि डायनेमिक बाइंडिंग में ये डिसाइड होता है रन टाइम पे। तो यहाँ पे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इसको इसलिए बोला है क्योंकि अगर आपने वर्चुअल फंक्शन यूज़ कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा रन टाइम पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपके रन टाइम पे बनेगा, कंपाइल टाइम पे तो बनेगा नहीं। ऑब्जेक्ट तो आपका रन टाइम पे ही बनेगा और रन टाइम पे ही डिसाइड होगा कि आपका जो बेस क्लास का पॉइंटर है वो कौन से ऑब्जेक्ट के एड्रेस को स्टोर कर रहा है, जिस ऑब्जेक्ट के एड्रेस को वो स्टोर कर रहा है या पॉइंट आउट कर रहा है उस ऑब्जेक्ट का ही जो फंक्शन होगा, मेंबर फंक्शन होगा, वो वहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, उसके साथ ही वो लिंक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसलिए वर्चुअल फंक्शन जो है, वर्चुअल फंक्शन को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, वर्चुअल फंक्शन आपका डायनेमिक बाइंडिंग, लेट बाइंडिंग और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। आगे है स्टूडेंट्स वर्चुअल फंक्शंस के रूल्स क्या होते हैं, वो रूल्स देख लो। रूल्स ऑफ वर्चुअल फंक्शन, वर्चुअल फंक्शंस मस्ट बी मेंबर्स ऑफ सम क्लास। वो मैंने अभी आपको बता दिया कि वर्चुअल फंक्शंस का मेंबर फंक्शंस होना ज़रूरी है, तो वो मेंबर होने चाहिए। तो वर्चुअल फंक्शंस मस्ट बी मेंबर्स ऑफ सम क्लास। सेकंड पॉइंट, वर्चुअल फंक्शंस कैन नॉट बी स्टैटिक मेंबर्स। ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है कि वर्चुअल फंक्शंस कभी भी स्टैटिक मेंबर्स नहीं हो सकते। वर्चुअल फंक्शंस कैन नॉट बी स्टैटिक मेंबर्स, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दे आर एक्सेस्ड थ्रू ऑब्जेक्ट पॉइंटर्स। तो हमेशा देखो, स्टैटिक मेंबर्स इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि स्टैटिक मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए जनरली हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, जबकि वर्चुअल फंक्शंस को अगर मुझे एक्सेस करना है तो मैं बेस क्लास के पॉइंटर्स बनाता हूँ, पॉइंटर्स की हेल्प से ही एक्सेस कर सकते हैं, हमें स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का कोई यूज़ नहीं है। तो दे आर एक्सेस थ्रू ऑब्जेक्ट पॉइंटर्स। तो वर्चुअल फंक्शंस को हम ऑब्जेक्ट पॉइंटर्स एक्सेस करते हैं, जबकि स्टैटिक मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि वर्चुअल फंक्शंस आपके कभी भी स्टैटिक मेंबर्स नहीं हो सकते। दे कैन बी ए फ्रेंड ऑफ अनदर क्लास। ये हो सकता है कि वो आपकी एक क्लास के जो वर्चुअल मेंबर फंक्शंस हैं वो दूसरी क्लास के फ्रेंड फंक्शन हो। ए वर्चुअल फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड इन द बेस क्लास इवन दो इट इज़ नॉट यूज्ड। ये ज़रूरी है अगर आपने वर्चुअल फंक्शन लेना ही है तो उसे बेस क्लास में डिफाइन करना ज़रूरी है, ठीक है। और रीडिफाइन हम करते हैं ड्राइव क्लास में, चाहे हम बेस क्लास में जो हमने वर्चुअल फंक्शन यूज़ किया है, डिफ़ाइन किया है, उसे हम यूज़ करें या ना करें, लेकिन डिफ़ाइन करना ज़रूरी है बेस क्लास के अंदर। द प्रोटोटाइप्स ऑफ ए वर्चुअल फंक्शन ऑफ द बेस क्लास एंड ऑल द ड्राइव क्लासेस मस्ट बी आइडेंटिकल। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि प्रोटोटाइप सेम होना चाहिए। अगर आप वर्चुअल फंक्शन का यूज़ कर रहे हो तो बेस क्लास में हम जो प्रोटोटाइप यूज़ करेंगे वही प्रोटोटाइप
उसकी सारी ड्राइव क्लासेस में यूज होना चाहिए। प्रोटोटाइप का मतलब समझ रहे हो, सिग्नेचर मतलब उसका नाम, उसके नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, उसके टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स सेम होने चाहिए, बिल्कुल का बिल्कुल सेम का सेम सिग्नेचर मैच करना चाहिए हर एक के अंदर, ठीक है। वी कैन नॉट हैव अ वर्चुअल कंस्ट्रक्टर बट वी कैन हैव अ वर्चुअल डिस्ट्रक्टर। मैंने आपको पहले भी बताया था वर्चुअल कंस्ट्रक्टर कभी भी नहीं होता जबकि वर्चुअल डिस्ट्रक्टर हो सकता है। वी कैन नॉट हैव अ वर्चुअल कंस्ट्रक्टर बट वी कैन हैव अ वर्चुअल डिस्ट्रक्टर। तो कुछ ध्यान रखनी है कि वर्चुअल फंक्शन फ्रेंड फंक्शन हो सकते हैं दूसरे क्लासेस के, और वर्चुअल फंक्शन कभी भी स्टेटिक नहीं हो सकते, ठीक है। और वर्चुअल फंक्शन को हमेशा बेस क्लास में डिफाइन करना जरूरी है, चाहे उनको हम यूज़ करें या ना करें। प्रोटोटाइप सेम रखना है हमें हर क्लास के अंदर, जो भी ये मेनली इनहेरिटेंस में यूज़ होते हैं वर्चुअल फंक्शन आपके। और फिर एक चीज़ ये भी कही है कि हम वर्चुअल, हमारे पास वर्चुअल कंस्ट्रक्टर तो नहीं हो सकता, हाँ लेकिन वर्चुअल डिस्ट्रक्टर जरूर हो सकता है। वी कैन नॉट हैव ए वर्चुअल कंस्ट्रक्टर बट वी कैन हैव ए वर्चुअल डिस्ट्रक्टर। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब आपके पास एग्जांपल आता है वर्चुअल फंक्शन का, जो हमने बिल्कुल इस वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में प्रोग्राम किया था उस प्रोग्राम को ही हम करेंगे, लेकिन इस बार मैं यूज़ करने जा रहा हूँ वर्चुअल फंक्शन। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया, मैंने लिखा हैश इंक्लूड iostream.h, उसके बाद मैंने लिखा हैश इंक्लूड conio.h। इस तरीके से मैंने दो हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर लिया। फिर स्टूडेंट्स, मैंने क्लास बनाई है, क्लास का नाम है ए, कैपिटल ए लिया मैंने यहाँ पे। ओपन करली ब्रेस से मैंने इसकी बॉडी को डिफाइन करना स्टार्ट किया है, और मैंने इसके पब्लिक मेंबर लिया है पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ करके। तो यहाँ पे फंक्शन का नाम है डिस्प्ले, इसका रिटर्न टाइप मैंने वर्ड लिया, लेकिन वर्ड से पहले मैंने कीवर्ड यूज़ किया वर्चुअल। वर्चुअल कीवर्ड लगाने से ये मेरा फंक्शन वर्चुअल बन गया, और इसकी बॉडी को मैंने डिफाइन करने के लिए ओपन करली ब्रेस और क्लोज करली ब्रेस लिया, और इसके बीच में मैंने सी आउट का यूज़ किया है क्लास ए आउटपुट देने के लिए, डिस्प्ले करवाने के लिए। फिर मैंने क्लास ए को क्लोज कर दिया क्लोज करली ब्रेस और सेमी कॉलन के साथ। अब मैं क्लास ए से क्लास बी को ड्राइव कर रहा हूँ, मैंने लिखा है क्लास बी कॉलन पब्लिक ए, इसका मतलब है क्लास ए से हम क्लास बी को ड्राइव कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं। और इसके अंदर भी मैंने पब्लिक मेंबर लिया है वर्ड डिस्प्ले। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे दोबारा वर्चुअल वर्ड यूज़ नहीं किया, अगर आप दोबारा वर्चुअल कीवर्ड यूज़ करोगे तो आपको कंपाइलेशन एरर मिलेगा, आप दोबारा वर्चुअल कीवर्ड यूज़ नहीं करोगे, बेस क्लास में आप वर्चुअल लिखोगे। ड्राइव क्लास में आप जस्ट रीडिफाइन कर रहे हो, तो वर्चुअल लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे लिखा वर्ड डिस्प्ले ओनली, यहाँ पे मैंने क्लास बी को डिस्प्ले करवाया है, और क्लास बी को मैंने क्लोज कर्ली ब्रेस और सेमी कॉलन के साथ टर्मिनेट कर दिया, सिंपल। अब स्टूडेंट्स, मेन फंक्शन, मेन फंक्शन में मेरी पहली स्टेटमेंट है क्लियर स्क्रीन, जिससे मैं स्क्रीन को क्लियर कर रहा हूँ। और अब मैंने बेस क्लास के एक तो पॉइंटर लिया है और एक मैंने उसका ऑब्जेक्ट लिया है, पॉइंटर का नाम है स्पी और ऑब्जेक्ट का नाम है स्मॉल ए। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, मैंने बी क्लास का भी ऑब्जेक्ट बनाया है स्मॉल बी। अब पहली स्टेटमेंट में मैंने क्या किया, पॉइंटर पी यूज़ किया मैंने, पी इज असाइनमेंट ऑपरेटर एम्परसेंड ए लिखा है, इसका मतलब जो स्मॉल ए का एड्रेस है वो मैं पॉइंटर में स्टोर कर रहा हूँ। और फिर मैंने पी एरो ऑपरेटर डिस्प्ले यूज़ किया, तो और इसी तरीके से नीचे स्टूडेंट मैंने पी के अंदर बी के एड्रेस को स्टोर किया, और पी और पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू मैंने एरो ऑपरेटर का यूज़ करते हुए डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया, और लास्ट में गेट सी एच और फिर मैंने क्लोज कर लिया। स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्योंकि मैंने वर्चुअल वर्ड यूज़ किया है, वर्चुअल कीवर्ड यूज़ किया है, मेरा जो डिस्प्ले फंक्शन है एक वर्चुअल फंक्शन है, तो यहाँ पे रन टाइम पे डिसाइड होगा कि पॉइंटर वेरिएबल, आपका जो पॉइंटर वेरिएबल है बेस क्लास पॉइंटर वेरिएबल है, वो कौन से ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। जिस भी ऑब्जेक्ट को वो पॉइंट करेगा उस ऑब्जेक्ट का मेंबर फंक्शन ही कॉल होगा। जैसे पहले केस में मैंने लिखा है पी असाइनमेंट ऑपरेटर एम्परसेंड ए, और फिर मैंने लिखा है पी आर ऑपरेटर डिस्प्ले, तो इसमें मेरा जो बेस क्लास थी ए थी उसका जो मेंबर है मेथड है वो जो मेथड है डिस्प्ले वो कॉल होगा, तो यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा क्लास ए। इसी तरीके से स्टूडेंट मैंने नीचे लिखा पी इज असाइनमेंट ऑपरेटर एम्परसेंड बी, तो इसमें क्या है जो मेरे ये ड्राइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है उसके एड्रेस को मैंने स्टोर किया, तो ये उसके मेथड को कॉल करेगा, उसके डिस्प्ले मेथड को कॉल करेगा, तो यहाँ पे आएगा क्लास बी। जबकि पहले केस में दोनों बार ही आपको क्लास ए डिस्प्ले कर रहा था क्योंकि वहाँ पे वो सिंपल फंक्शन था, लेकिन यहाँ पे ये वर्चुअल फंक्शन है। तो ये यूज़ है स्टूडेंट्स वर्चुअल फंक्शन बनाने का, कि आप जो भी ऑब्जेक्ट लोगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली वो फंक्शन आपका एग्जीक्यूट होगा रन टाइम पे। इसलिए हम कह सकते हैं कि वर्चुअल फंक्शंस का यूज़ करते हैं हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के लिए,
जबकि आपके फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, वो तीनों एग्जांपल हैं आपके स्टैटिक बाइंडिंग के, जिसे हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है? प्योर वर्चुअल फंक्शन, तो स्टूडेंट्स पहले पढ़ते हैं इसके बारे में, फिर मैं आपको एक तो समझाऊंगा। ए वर्चुअल फंक्शन इज नॉट यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग एनी टास्क, इट ओनली सर्व्स एज ए प्लेसहोल्डर। मतलब कहने का मतलब है, अगर आप एक वर्चुअल फंक्शन बनाने जा रहे हो बेस क्लास के अंदर, और उस वर्चुअल फंक्शन को आप किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ नहीं करते, उसे सिर्फ एक प्लेसहोल्डर की तरह यूज़ करते हो, तो वो फंक्शन आपका प्योर वर्चुअल फंक्शन बन जाता है। अब जैसे स्टूडेंट्स पिछले प्रोग्राम की बात करें, यहाँ पे हमने वर्चुअल फंक्शन बनाया था, लेकिन वो वर्चुअल फंक्शन कुछ ना कुछ टास्क को परफॉर्म कर रहा था, वो क्लास ए को डिस्प्ले कर रहा था। यहाँ पे जो डिस्प्ले फंक्शन है वो एक वर्चुअल फंक्शन है बेस क्लास के अंदर, लेकिन वो कुछ ना कुछ डिस्प्ले कर रहा है, एक टास्क परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर हम वर्चुअल क्लास के अंदर अगर हम बेस क्लास के अंदर एक वर्चुअल फंक्शन बनाए तो सही, लेकिन वो कोई टास्क परफॉर्म ना कर रहा हो, ऐसे फंक्शन को हम प्योर वर्चुअल फंक्शन बोलते हैं। लेकिन उसको भी लिखने का एक तरीका होता है, वो हम पढ़ेंगे आगे। When the function has no definition, such function is known as do nothing function. क्योंकि आपका जो pure virtual function होता है उसकी कोई definition नहीं होती, क्योंकि वो कोई task ही perform नहीं कर रहा। जब वो कोई task ही perform नहीं कर रहा तो उसकी कोई definition भी नहीं होगी। जब कोई definition ही नहीं होगी तो उसको do nothing function भी बोल सकते हैं। हम कह सकते हैं pure virtual functions are also known as do nothing functions. Next, the do nothing function is known as a pure virtual function. ये अभी मैंने आपको बताई है, डू नथिंग फंक्शन। ए प्योर वर्चुअल फंक्शन इज ए फंक्शन डिक्लेयर्ड इन द बेस क्लास दैट हैज नो डेफिनेशन रिलेटेड टू द बेस क्लास। तो हमेशा जो प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है, मैंने आपको बताया ही है, कोई भी वर्चुअल फंक्शन है वो हमेशा बेस क्लास में डिफाइन किया जाता है और डायरेक्ट क्लास में रीडिफाइन कर दिया किया जाता है। तो यहाँ पर भी प्योर वर्चुअल फंक्शन को जब हम डिक्लेयर करेंगे या डिफाइन करेंगे, डिफाइन तो डेफिनेशन तो इसकी होगी नहीं, डिक्लेयर्ड ही बोलोगे हम। तो जब भी प्योर वर्चुअल फंक्शन को हम डिक्लेयर करेंगे तो हमेशा वो आपकी बेस क्लास में ही डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है, बेस क्लास में डिक्लेयर किया जाएगा, लेकिन उसको डिफाइन हम ड्राइव क्लास में करेंगे तो उसकी कोई डेफिनेशन नहीं होगी, इसलिए इसको डू नथिंग फंक्शन भी बोल सकते हैं। ए क्लास कंटेनिंग द प्योर वर्चुअल फंक्शन कैन नॉट बी यूज टू डिक्लेयर द ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स ओन। जब एक क्लास के अंदर आपका जो मेंबर फंक्शन है वही प्योर वर्चुअल फंक्शन है जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं, प्योर वर्चुअल फंक्शन मतलब उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, वो डू नथिंग फंक्शन है, तो उस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर एक बेस क्लास है और उस बेस क्लास का जो फंक्शन है, मेंबर फंक्शन है, वही प्योर वर्चुअल फंक्शन है, प्योर वर्चुअल फंक्शन का मतलब है डू नथिंग फंक्शन है, डू नथिंग फंक्शन का मतलब है उसकी कोई डेफिनेशन ही नहीं है, तो इसका मतलब उसका ऑब्जेक्ट बनाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसी क्लास को सिर्फ हम ड्राइव ही कर सकते हैं, इनहेरिट ही कर सकते हैं, और उसके इनहेरिटेड क्लास में ही हम उस फंक्शन को रीडिफाइन करके यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की क्लासेस को हम अब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास भी बोल सकते हैं। वो ये कह रहा है, ए क्लास कंटेनिंग द प्योर वर्चुअल फंक्शन कैन नॉट बी यूज टू डिक्लेयर द ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स ओन। तो ऐसी क्लास जिसके अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन है, उस क्लास का हम ऑब्जेक्ट भी नहीं बना सकते, और जिस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते उस टाइप की क्लासेस को हम बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्लासेस। हम कह सकते हैं अब्स्ट्रैक्ट, आपने लिखना हो तो कॉपी में नोटबुक में लिख सकते हो, राइट डाउन कर सकते हो, अब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्लासेस आर द क्लासेस विच कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। या हम कह सकते हैं अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस आर क्लासेस विच हैव नो ऑब्जेक्ट। हम कह सकते हैं अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस आर क्लासेस which have no object. These classes can only be used as a base class for other classes in inheritance. तो ऐसी classes जिनका कोई object नहीं बना सकते या होता ही नहीं है, ऐसी classes को inheritance में हम दूसरी classes की base class की तरह ही use कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं abstract classes are the classes which cannot be instantiated. These classes can only be used as a base class for other classes in inheritance. ठीक है स्टूडेंट्स, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कंक्रीट क्लासेस के बारे में, CON लिख लो कॉपी में, नोटबुक में लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंक्रीट क्लासेस CONCRETE, कंक्रीट क्लासेस CONCRETE, कंक्रीट क्लासेस। कंक्रीट क्लासेस वो क्लासेस होती है जिनका ऑब्जेक्ट बनाया जाता है,
आपने अभी तक जितने भी प्रोग्राम किए हैं ऐसी कोई क्लास नहीं की होगी जिसका आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। हर क्लास का आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो। तो वो सारी मेरी कंक्रीट क्लासेस के एग्जांपल थे। तो कंक्रीट क्लासेस आर द क्लासेस फॉर विच यू वांट टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। लेकिन अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस वो क्लासेस हैं जिनका हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। हम कह सकते हैं अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस आर द क्लासेस विच हैज़ नो ऑब्जेक्ट, या हम कह सकते हैं विच कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, दीज क्लासेस ओनली एक्ट एज अ बेस क्लास फॉर अदर क्लासेस इनहेरिटेंस। ये तो होगी अब्स्ट्रैक्ट बेस क्लासेस। और कंक्रीट क्लासेस जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं, तो कंक्रीट क्लासेस आर द क्लासेस विच कैन बी इंस्टेंशिएट, या हम कह सकते हैं विच हैज ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट चलें। तो स्टूडेंट्स पेयर वर्चुअल फंक्शन का एग्जांपल देख लो, आपको कैसे पता चलेगा पेयर वर्चुअल फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं वो आप देखना। इसको पेयर वर्चुअल फंक्शन को डिक्लेयर करने का एक स्पेशल तरीका है, वो तरीका आपने नोट करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ इस प्रोग्राम में सबसे पहले मैंने हेडर फाइल को इंक्लूड किया, मैंने लिखा हैश इंक्लूड iostream.h, फिर मैंने दूसरी हेडर फाइल को इंक्लूड किया, मैंने लिखा हैश इंक्लूड conio.h, फिर मैंने एक क्लास बनाई है, क्लास का नाम है कैपिटल ए, और ये मेरी अब्स्ट्रैक्ट क्लास है क्योंकि इसके अंदर मैं प्योर वर्चुअल फंक्शन को डिफाइन करने जा रहा हूँ, डिक्लेयर करने जा रहा हूँ। डेफिनेशन तो होती ही नहीं है इसकी। तो स्टूडेंट्स फिर मैंने ओपन कर्ली ब्रेस से और क्लोज कर्ली ब्रेस से इसको क्लोज किया, सेमी कोलन लगाया लास्ट में, लेकिन इसके बीच में मैंने पब्लिक मेंबर लिया इसको, क्योंकि पब्लिक ही लेना पड़ेगा आपको। पब्लिक कोलन साइन, मैंने यहाँ पर लिखा वर्चुअल वॉइड डिस्प्ले, और यहाँ पर इक्वेटेड टू जीरो लिखा मैंने, ऐसे ही लिखना है ये। अगर ऐसा कोई फंक्शन आपको लिखा मिल जाए कहीं पे, आपसे पूछा जाए किस टाइप का फंक्शन है, तो उसको बोलेंगे प्योर वर्चुअल फंक्शन है, वो ऐसे ही लिखा जाता है। आप लिखोगे वर्चुअल वॉइड डिस्प्ले पैरेंथेसिस लगाओगे, इक्वेटेड टू जीरो कर दोगे, तो ये मेरा प्योर वर्चुअल फंक्शन है। मतलब इस टाइप, अब आप अगर इस क्लास ए का ऑब्जेक्ट बना भी लो तो क्या फ़ायदा, क्या क्लास ए का ऑब्जेक्ट बना के आप कुछ यूज़ कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अपने आप ही क्लास ए जो है मेरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई। अब क्योंकि मैंने कहा है कि उसका ऑब्जेक्ट तो नहीं बना सकते लेकिन उसे बेस क्लास की तरह यूज़ कर सकते हैं, तो मैं नीचे बेस क्लास की तरह ही यूज़ करने जा रहा हूँ उसको। मैंने लिखा क्लास बी कॉलन पब्लिक है, तो ए क्लास को मैं बेस क्लास बना के ही यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। इस क्लास से मैंने नई क्लास ड्राइव की बी, यहाँ पे मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, रीडिफाइन तो नहीं, वहाँ पे तो हमने डिक्लेयर किया जस्ट प्योर वर्चुअल फंक्शन को, लेकिन यहाँ पे हम उसको डिफाइन करेंगे। तो पब्लिक में जाकर मैंने वॉइड डिस्प्ले फंक्शन को डिफाइन किया, मैंने यहाँ पे लिखा हेलो, जो भी आप कर सकते हो वो आपने किया। क्लोज कर्ली ब्रेस सेमी कोलन से मैंने क्लास बी को टर्मिनेट कर दिया। अब मेन फंक्शन के अंदर मैंने बेस क्लास का पॉइंटर बनाया है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, जब भी आप वर्चुअल फंक्शंस की बात कह रहे हो तो हमेशा जो पॉइंटर होना चाहिए वो बेस क्लास का ही होना चाहिए। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अगर जब भी आप वर्चुअल फंक्शंस की बात कहते हो तो जो पॉइंटर होना चाहिए वो हमेशा बेस क्लास का ही पॉइंटर होना चाहिए। तो यहाँ भी मैंने बेस क्लास का ही पॉइंटर लिया है, लेकिन हम बेस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे, यहाँ पे कोई फ़ायदा ही नहीं है उसका। बेस क्लास का ऑब्जेक्ट हम बना ही नहीं सकते, वो एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी यहाँ पे। तो हम ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ड्राइव क्लास है मेरी बी, तो बी क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया बी, और इसके थ्रू अब मैंने पॉइंटर में इसके एड्रेस को स्टोर कर लिया, और फिर मैंने पॉइंटर के थ्रू डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया है, तो ये मुझे डिस्प्ले क्या करेगा, हेलो, स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होगा, हेलो। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने ये भी देखा कि कैसे अब्स्ट्रैक्ट क्लास बनती है और कैसे आपका प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, वीडियोस को शेयर लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, आपका प्यार मिलता रहेगा, तो मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।